हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नमिता फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। टुडेज साइंस टॉपिक इज साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड इज मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से हम जो चीजों को सुन पाते हैं, दैट इज साउंड। नाउ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड को समझने के लिए वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट। Take a metal wire and stretch the wire with the help of two nails. With the help of two nails, stretch a metal wire. Now pluck the wire with your finger. When we pluck the wire, we can hear the sound. And we can see that the wire is vibrating. वायर वाइब्रेट कर रहा है, इसको देखने के लिए हम एक वी शेप का कोई पेपर इस वायर के ऊपर रखते हैं। जैसे हम इसके ऊपर रखेंगे तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग वायर, द पेपर विल फ्लाई ऑफ। ये थोड़ा हिलने लगेगा, उड़ने लगेगा, जिससे पता चलता है कि ये जो वायर है वो वाइब्रेट कर रहा है और उसके वाइब्रेशन के कारण ही हमें साउंड सुनाई दे रहा है। इसको और समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। इसके लिए कोई मेटल की जो बेल है उसको लेकर अगर हम किसी हैमर से उसको स्ट्रक करेंगे, हैमर के साथ उस बेल को हम स्ट्रक करेंगे, तो स्ट्रक करने पर हमें साउंड सुनाई देता है। वी कैन हियर द साउंड एंड टू फील द वाइब्रेशन वी कैन टच द बेल। बेल को जब अगर हम अपनी फिंगर से टच करेंगे तो हम देखते हैं कि इट इज़ वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट कर रही है। ओके, सो दैट वी कैन कंक्लूड दैट साउंड प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है? प्रोपोगेट मींस जो सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहां से लिसनर के कानों तक साउंड कैसे ट्रेवल करती है। तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो इसके कॉन्टेक्ट में हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जैसे ही वो स्टार्ट करता है वाइब्रेट करना तो मीडियम के पार्टिकल जो उसके कॉन्टेक्ट में हैं दे विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेट, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। पहले इसके कॉन्टेक्ट में जितने भी पार्टिकल हैं वो स्टार्ट करते हैं वाइब्रेट करना, यानी कि ये वाइब्रेशन फर्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, देन दिस पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेट एंड
Now it will transfer the energy to the second particle, and then the second particle will also start vibrating. वो भी vibrate करना start कर देगा. Then vibration will transfer to the third particle and so on. इस तरह से vibration या energy एक particle से दूसरे particle को transform होती है. And in this fashion ये मूव करते रहते हैं और ये जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचती जाती है. लेकिन इसमें पार्टिकल जो हैं मीडियम के वो खुद मूव नहीं करते. द पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव एट ऑल. वो खुद मूव नहीं करते. दे ऑल्सो ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर. एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है, वो खुद मूव करके साउंड वेव को लिसनर के कानों तक नहीं पहुंचाते. सो इन दिस फैशन जो साउंड वेव हैं वो आगे ट्रांसफर होती हैं. इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोपोगेशन, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए ज़रूरी है मटेरियल मीडियम का होना. मटेरियल मीडियम का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है टू प्रोपोगेट द साउंड वेव. साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई ना कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए. दैट मटेरियल मीडियम कैन ऑल्सो बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कोई भी मटेरियल मीडियम अगर वहाँ प्रेजेंट है, कोई भी तीनों में से, तो साउंड वेव प्रोपोगेट करेंगी. अगर इन तीनों में से अगर कोई भी मटेरियल मीडियम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेंगे. ओके, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो ये प्रूफ करेगा कि साउंड वेव नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट. साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट. इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक बेल जार लें. टेक अ बेल जार. ओके, एंड बेल जार में का हम सेटअप इस तरह से करेंगे. उसके बीच में हम एक इलेक्ट्रिक बेल सेट करेंगे एंड जो वायर है उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से. देन उसको कनेक्ट करेंगे की से और इस तरह से हम सेटअप करेंगे. और बेल जार के नीचे एक वैक्यूम पंप से उसको हम जोड़ देंगे. जैसे ही फर्स्ट हम की को ऑन करेंगे, जैसे की को ऑन करेंगे तो हमें ये जो हैमर है वो इस बेल से जाकर टकराएगा और हमें साउंड सुनाई देता है. वी कैन हियर द साउंड. उस समय हम साउंड को सुन पाते हैं. लेकिन जैसे ही हम यहाँ से एयर को पंप आउट करते हैं और सारी की सारी एयर हम पंप आउट कर लेते हैं तो ये जो बेल जार है इसमें बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होती, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. अब हम देखते हैं कि वी कैन नॉट हियर द साउंड. हम साउंड नहीं सुन पा रहे हैं. सेटअप सारा वही है, बस अब इस बेल जार के अंदर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है. सो दैट वी कैन नॉट हियर द साउंड. दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है.